हेलो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर ये बैंगन है। ये नया पौधा वाला हम बैंगन लगाए हुए थे, तो देखिए इतना छोटा से ये बल्टी है, ये छोटा से जड़ है, ये नया पेड़ पौधा है। देखिए इसमें लटका हुआ है, यहाँ पर लटका हुआ है। ये इतनी गर्मी में फिर भी फल दे दिया है। इसका मेन राज क्या है? सब किचन वेस्ट खाद। देखिए यहाँ पर मेन राज यही है। तो आज चलते हैं थोड़ा से इसमें हम खाद डालने के लिए। तो हम यहाँ पर इसका मिट्टी थोड़ा से निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से आप मिट्टी को निकाल लीजिए। भरा भरा है, बरसात आने वाला है, ये सब कर लीजिए बरसात आने से पहले, ताकि पौधा आपका पेड़ पौधा सही सलामत रहे। तो इस तरह से आप इसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद इस तरह से आप मिट्टी को थोड़ा सा कम कर दीजिए। बरसात आने से पहले आपको ये सब करना है, ताकि बरसात में नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम इसको आज छत पर आए हुए हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा से बैंगन के लिए हम कोड़ाई कर रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं। पुराना मिट्टी पूरा गर्मी की वजह से हम आना बंद कर दिए थे। तो देखिए यहाँ पर ये हम गड्ढा कर दिए थोड़ा से। और इसमें देखिए, इसमें देखिए आप, ये अनार है, केला का छिलका है, कद्दू का छिलका है, तुरई का छिलका है। तो इसको सबको हम यहाँ पर थोड़ा से डाल देंगे, ताकि ये अंदर से ये खाद बन जाएगा। देखिए इस तरह से आप डालिएगा। तो हम यहाँ पर इसको डाल करके दबा दिए हैं। इसमें अनार है, जैसे आदमी को अनार फायदा करता है, तो इसी तरह से आपको अनार का ये छिलका है तो ये पेड़ पौधा को ताकत देगा। तो इसमें आप थोड़ा से मिट्टी डाल दीजिए, ताकि ये ढक जाए। ढकने से क्या होगा कि जल्दी से ये गल जाएगा, आपको खाद बन जाएगा। तो ये बन गया। अब देखिए इसका बैंगन कितना अच्छा बैंगन है। इसको सब्जी बनाइए, खाइए घर का बिना खाद का। तो इसमें हम पानी थोड़ा सा डाल देते हैं, ताकि ये आपको गलने में आराम हो। अभी तो धूप हो रहा है, जल्द से जल्द खाद बन के तैयार हो जाएगा। तो हम मिलते हैं दूसरे रेसिपी के साथ। हम इसमें पानी डाल दिए फ्रेंड्स दोस्तों। तो इसमें जो खाद डाले थे, ये पानी डालने से, मिट्टी डालने से ढक जाएगा। ढकने के बाद ये गल जाएगा जल्द से जल्द। और ये देखिए, ये बैंगन देखिए, ताज़ा ताज़ा बैंगन है, बिना खाद का। छोटा तो है मगर स्वाद से भरा हुआ है, ये स्वाद से भरा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो पत्ता बड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा से कीड़ा टाइप का, तो इसको हटा दीजिए, ताकि इसका खाद फल में जाए, पत्तियाँ में ना जाए। तो पत्ती को हटा दीजिए, कम पत्ती रखिए। और इसमें हम खाद डाल दिए हैं, इसको मिला दिए हैं और पानी भी डाल दिए। तो मिलती हूँ दूसरे रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और मेरा ये लाइक देना ना भूलिएगा चैनल को, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय।